आगरमालवा जिले के नलखेड़ा तहसील के एक मस्जिद में कुछ दिनों से 12 लोग रह रहे थे। मस्जिद से पकड़े गए 12 लोगों के खिलाफ नलखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग दिल्ली से जमात लेकर आए थे, तब से ही मस्जिद के अंदर रह रहे थे, जिसके बाद से सभी लोगों को नलखेड़ा के एक छात्रावास में रखा गया है, जहाँ सुरक्षा के चलते सभी का चेकअप किया गया। चेकअप के दौरान सभी नॉर्मल पाए गए। बताया जा रहा है कि इन सभी का मरकज मामले से अभी तक कोई संबंध सामने नहीं आया है। सभी लोगों को फिलहाल क्वारंटाइन में रखा गया है। ये लोग अपना बिना सूचना के इस तरह के संक्रमण काल में इकट्ठे होकर के रुके हुए थे, जिससे कोरोना महामारी के फैलने की पूरी आशंका थी, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई किया गया। साथ ही कार्रवाई के बाद सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद इनको एसटीएससी हॉस्टल में नलखेड़ा में ही रामपुरा में क्वारंटाइन किया गया है। साथ में दिल्ली के किस किस मोहल्ले से हैं, दिल्ली में जो मरगज का कार्यक्रम हुआ था उसमें थे या नहीं थे, इस सारे बिंदुओं पे हमारी जांच जारी है। फिलहाल इनको क्वारंटाइन करके इन पे निगरानी रखी जा रही है। चंदेरी के एक युवक के दिल्ली मरकज से लौटने की जानकारी लगने पर एसटीओपी लक्ष्मी सिंह और थाना प्रभारी